साथियों, विकास की पहली शर्त होती है कानून व्यवस्था का राज। वामपंथी शासन ने त्रिपुरा को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया था। यहां जो हाल थे उसे त्रिपुरा के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। सरकारी दफ्तरों पर काडर का कब्जा, पुलिस थानों पर काडर का कब्जा, व्यापार कारोबार पर काडर का कब्जा, वामपंथियों ने त्रिपुरा के लोगों को अपना गुलाम समझ लिया था। वो अपने आप को बादशाह मानते थे। कमाई हो या फिर सुनवाई, रेड सिग्नल ही त्रिपुरा का दुर्भाग्य बन गया था। भाजपा सरकार ने त्रिपुरा में शांति और कानून का राज स्थापित किया है। इस चुनाव में ही देखिए, हर दल, हर उम्मीदवार के झंडे चारों तरफ दिखते हैं। क्या ये 5 वर्ष पहले तक संभव था? मुझे तो याद है, 30 साल तक वामपंथियां रहे और हर चुनाव में दो दो तीन तीन महीने पहले इसकी हत्या, उसकी हत्या, उसको मार दिया, उसको फांसी पर लटका दिया, ऐसी खबरें आ रही थी। आप मुझे बताइए, ये चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि नहीं है? एक समय था जब एक ही पार्टी के झंडे हर तरफ दिखते थे और किसी को तो एंट्री नहीं थी, और किसी ने झंडा लगाया तो शाम को डंडा आया। आपने रेड सिग्नल हटाकर भाजपा का डबल इंजन लगाया और आज त्रिपुरा विकास की पटरी पर लौट आया है। बीते 25-30 साल में जो खाई त्रिपुरा में खोदी गई थी उसे भरने के लिए त्रिपुरा की भाजपा सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। मैं त्रिपुरा के लोगों को एक बात का ध्यान रखने को कहूंगा, लेफ्ट और कांग्रेस वाले कभी भी त्रिपुरा का विकास नहीं कर सकते। लेफ्ट और कांग्रेस हमेशा यही चाहेंगे कि त्रिपुरा गरीब से गरीब राज्य बना रहे। लेफ्ट, कांग्रेस और उनके जैसी सोच वाले दल त्रिपुरा के लोगों को गरीब रखकर अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। ये आपको कभी जाति के नाम पर तोड़ेंगे, कभी समाज के नाम पर बिखरने की कोशिश करेंगे, लेकिन त्रिपुरा के लोगों को एकजुट रहना है। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इनकी बातों में नहीं आना है। आप लोग बढ़ गए तो ये लोग त्रिपुरा को बर्बाद कर देंगे, आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे। त्रिपुरा के विकास के लिए आपको आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के और भाजपा के सहयोगियों को
पूरी ताकत के साथ वोटिंग करना है। यहां भाजपा की सरकार रहेगी तो दिल्ली से जो पैसा आएगा वो भी आप लोगों पर ही खर्च होगा, और अगर लेफ्ट और कांग्रेस ही मिलकर पहले क्या करते थे, रुपया उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है, ये 85 पैसा किसके जेब में जाता था भाई? जो यहां सत्ता में बैठे थे ना, उन्हीं के जेब में जाता था। आज मैं दावे से कहता हूं, हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो त्रिपुरा के हमारे लोग नीचे 100 पैसे पूरे के पूरे पहुंचा देते हैं। ये काम हमने भलाई के लिए किया है।